तो बच्चों आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि व्हाट इज मोल। ठीक है, तो मोल शब्द जो है ये केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, और मोल के चैप्टर में आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल करने होते हैं। ठीक, तो मोल जो है कि मोल क्या है, तो एक सिंपल अगर टर्म में अपन इसको डिफाइन करें तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज़ काउंटिंग यूनिट। अब काउंटिंग यूनिट जैसे अपन डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें काउंट करते हैं, जैसे थाउजेंड, लाख, करोड़, ये सब काउंटिंग यूनिट्स है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं तो डजन, वन डजन मीन्स 12 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे अपन वन डजन को बोलते हैं 12 ऑब्जेक्ट्स। अब अगर मैं वन डजन पेंसिल बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या निकलेगा अपने, कि 12 पेंसिल हमारे पास है। ठीक है, तो ये डजन वगैरह ये उन चीज़ों को गिनने में यूज़ करते हैं कि जो आसानी से गिनी जा सकती है। लेकिन अगर हम 100 ml वाटर ले लेते हैं तो 100 ml वाटर में जो मॉलिक्यूल की संख्या होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि हम आसानी से उसको हजार, लाख या करोड़ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो फिर इस केस में बहुत बड़ी काउंटिंग यूनिट की आवश्यकता हुई, और वो बहुत बड़ी काउंटिंग यूनिट क्या है, मोल। यानी कि अगर मैं 1 mole पेंसिल के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक 1 mole पेंसिल सैंपल है। ठीक, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं, कि हमारे पास 6.022 × 10⁻²³ पे ध्यान दें कि 10⁻²³ ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इतने बड़े नंबर की पेंसिल हमारे पास अभी स्टॉक में है, ये समझ लीजिए। अब यूजुअल जो है, यूजुअल स्टॉक में जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को कोई दुकानदार रख रहा है तो इतने बड़ी क्वांटिटी रख नहीं सकता, तो इसलिए मोल वर्ड जो है डेली लाइफ में काम नहीं आता है। लेकिन केमिस्ट्री में अगर हम एटम, मॉलिक्यूल या आयंस को गिन रहे हैं तो उस केस में हमें मोल वर्ड जो है वो काम में लेना पड़ता है। तो आप ये तो समझ ही चुके हैं कि काउंटिंग यूनिट है, और किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 mole बोल देता हूँ तो कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें, 6.022 × 10⁻²। अब ये जो नंबर है, बेसिकली दिस नंबर इज कॉल्ड एज अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो साइंटिस्ट है अवोगाड्रो, उन्होंने इस चीज़ की खोज की और ये नंबर उन्होंने दिया, तो उनके नाम पर ये नंबर हमने रखा हुआ है। ठीक है, अवोगाड्रोस नंबर 6.022 × 10⁻²। यानी किसी भी चीज़ के सैंपल में इतने सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे क्वांटिटी वाइज, नंबर वाइज, तो हम उस पूरे सैंपल को 1 mole का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। ठीक है, अब जैसे अगर सपोज हम बात करते हैं, ये आपने देख लिया कि इतने अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, इस संख्या को हमने क्या बोला है, अवोगाड्रोस नंबर। अब सवाल ये आता है कि ये संख्या आई कैसे। ठीक है ना, अवोगाड्रो ने ये संख्या क्यों ली, तो अवोगाड्रो ने क्या काम किया कि कार्बन एलिमेंट का C12 आइसोटोप लिया। ठीक है, ये कार्बन एलिमेंट है, तो सबसे पॉपुलर जो कार्बन का जो है आइसोटोप वो है C12। जैसे अपन बात करते हैं नेचर में CO2 है ना, तो CO2 में जो कार्बन पड़ा हुआ है मेजर, वो C12 फॉर्म में। C12 का मतलब ये है 6C12, यानी कि 12 इसका मास नंबर, 6 इसका एटॉमिक नंबर। ठीक, तो कार्बन का ये जो आइसोटोप है, अवोगाड्रो ने क्या किया, इसका लिया 12 ग्राम। ठीक है, और इस 12 ग्राम में इसने काउंट किया कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, इसने काउंट किया कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर। तो इसने कार्बन एटम जो है वो गिने, तो वो है 6.022 × 10⁻²। तो इसने क्या किया, इस 12 ग्राम को इसने 1 mole का नाम दे दिया कि 1 mole कार्बन मेरे पास है, और 1 mole कार्बन में इतने एटम्स होते हैं। ठीक है, तो 1 mole की डेफिनेशन से बोल दी कि 1 mole ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, 1 mole ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या कोई भी मैटर है, कंटेंस एज मैनी स्पीसीज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप। यानी कि इसने स्टैंडर्ड मान लिया इसको, और बोला कि इसमें जितनी स्पीसीज है उतनी ही स्पीसीज अगर किसी सैंपल में होगी तो हम उसको सैंपल को 1 mole का नाम दे देंगे। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि
कि मैंने बोला है कि 1 मोल मेरे पास हीलियम एटम्स है, तो इसका मतलब हमारे पास जो सैंपल पड़ा हुआ है इसके अंदर 6.022 × 10²³ एटम्स पड़े हुए हैं ऑफ हीलियम। ये बात समझ आ गई। अगर मैंने बोल दिया कि 1 मोल मेरे पास O2 मॉलिक्यूल सैंपल है, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 6.022 × 10²। अब मैं बात करूंगा मॉलिक्यूल्स की, इसमें इतने मॉलिक्यूल किसके पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन O2 के। अगर मैंने बात कर दी कि 1 मोल मेरे पास H+ आयन का सैंपल है, तो इसका मतलब इस सैंपल में, अब मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ कि ये नंबर हमने Na नाम दे दिया, अवोगाड्रोस नंबर, तो अवोगाड्रोस नंबर के बराबर इसमें आयन से, कौन से आयन से, ऑफ H+। अगर हमने बोल दिया कि 1 मोल हमारे पास इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इसका मतलब सैंपल में मेरे पास Na जो है यहाँ पे क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। Na का मतलब आप समझिए, Na मतलब क्या होता है, 6.022 × 10²³ इलेक्ट्रॉन हमारे पास सैंपल में पड़े हुए। तो जस्ट ये जो मोल वर्ड है, ये मोल वर्ड एक काउंटिंग यूनिट की तरह काम करता है। अब जैसे सपोज कीजिए कि मैंने बोला कि मेरे पास 3 मोल ओजोन है, सैंपल है, तो 3 मोल ओजोन का मतलब आपके पास 3 Na मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं किसके, ओजोन के। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, Na का मतलब आप समझ ही गए हैं। नंबर में रिप्रेजेंट करूं तो कितने मॉलिक्यूल हुए, 3 × 6.022 × 10²³ हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। अब यदि मैं काम करता हूं कि मैं ओजोन में देखूं कि एटम्स कितने पड़े हैं, तो ओजोन के एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, तो अगर मुझसे पूछा जाए हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द सैंपल, तो मैं लिख दूंगा चूंकि एक ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ा जाए तो 3 ऑक्सीजन एटम निकलेंगे हमारे पास, तो हम यहाँ सिंपली 3 से गुणा कर देंगे इसे पूरी संख्या को, 6.022 × 10²³, और फिर मैं आगे क्या लिख दूंगा कि इतने एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ सैंपल में ये काउंट कर सकते हैं। अब हम एक फार्मूला इसके बेसिस पे बोलने वाले हैं। फार्मूला क्या है कि हमें ये तो पता लग ही गया कि 1 मोल जो है वो कितना होता है, Na स्पीसीज के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होगा, N से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीसीज, जो भी स्पीसीज है, नंबर ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाई, अब मैं नीचे डिवाइड किसे कर देता हूँ, Na से, ठीक है, या फिर मैं इसकी जगह Na की जगह क्या लिख दूँ, Na की जगह लिख दूँ मैं 6.022 × 10²³। जैसे सपोज कीजिए कि एग्जांपल मुझे दे दिया कि 12.044 × 10²24 मॉलिक्यूल ओजोन सैंपल है, ठीक है, हमसे पूछा जाए हाउ मेनी मोल्स आर देर, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू ये जो भी नंबर है इसको हम डिवाइड कर देते हैं 24/6.022 × 10²23 से, ये हमारे पास कितना आया, ये आ गया हमारे पास 20 मोल मेरे पास क्या है, ओजोन। अब अगर ऑक्सीजन के कितने मोल हैं इसमें, तो ओजोन के तीन, एक मॉलिक्यूल को तोड़ने पर 3 ऑक्सीजन एटम मिलते हैं, एक से मिलता है 3, तो 20 मोल अगर ओजोन है तो इससे हमें ऑक्सीजन के कितने मिल जाएंगे, 3 × 20 = 60 मोल इसमें हमें क्या मिल जाएंगे, ऑफ O। तो इस तरीके से हम जो है नंबर ऑफ स्पीसीज यदि दी हुई है तो उससे हम मोल को निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के बारे में बात करता हूँ कि हाउ मेनी मोल्स, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर वेटेड एस 1 kg, ये क्वेश्चन जो है जेई में पूछा हुआ है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास जो है N मोल पड़े हुए हैं, ये हमसे पूछा है कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो N मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे पास, N × 6.022
इंटू 10^23 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब मेरे पास पड़े हुए हैं, सही। अब इतने इलेक्ट्रॉन है और हमें ये पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक होता है 9.1 × 10^-31 kg, इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है मुझे, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है, इसका मतलब टोटल मास क्या होगा इस सैंपल का, टोटल मास होगा n इंटू 6.022 × 10^23, इतने तो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है तो मल्टीप्लाइड बाई, मैं क्या करूँगा, 9.1 × 10^-31 kg, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये बराबर क्या होना चाहिए, 1 kg होना चाहिए, इसका मतलब n जो है वो क्या हो जाएगा, 1/6.022 × 10^23 × 9.1 × 10^-31, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप जो है मोल, जैसे कहीं भी अगर आपने मोल बोल दिए तो आप आराम से उसकी संख्या निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैं एग्जांपल बोलता हूँ कि मेरे पास 5 मोल जो है कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, इसका मतलब अब मुझे इस चीज़ को ध्यान से देखना है कि ये स्पीसीज क्या है, तो ये स्पीसी एक्चुअली मोलिक्यूल है, ठीक है, इसका मतलब मैं लिखूँगा कि इस स्पीसीज में 5Na क्या पड़े हुए हैं, मोलिक्यूल पड़े हुए हैं, किसके मोलिक्यूल हैं, कॉपर सल्फेट के। अब मुझसे पूछा जाए हाउ मेनी ऑक्सीजन मोल आर देयर, तो हम इसको तोड़ के देखते हैं कि कॉपर सल्फेट को तोड़ने पर यहाँ एक तो कॉपर का एटम, एक सल्फर का एटम और 4 इसमें ऑक्सीजन के एटम, इसका मतलब यूनिटरी मेथड से देखते हैं एक से ये कितना मिलेगा, एक, ये एक मिलेगा और ये 4 मिलेगा, इसका मतलब अगर मेरे पास 5Na मोलिक्यूल इसके हैं, मैं पहले मोल से स्टार्ट करता हूँ, अगर मेरे पास 5 मोल इसके पड़े हुए हैं तो डेफिनेटली 5 मोल तो कॉपर होगा, ठीक, इसके अलावा सल्फर अगर मैं देखूं तो 5 मोल सल्फर होगा और 20 मोल इसमें हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन, और यदि मैं इस 5 मोल को कन्वर्ट कर देता हूं 5Na मोलिक्यूल में, इतने मोलिक्यूल में कितने एटम होंगे, तो ये 5Na एटम्स कॉपर के होंगे, ठीक है, 5Na एटम्स सल्फर के होंगे, ठीक है, और 20Na एटम्स जो हैं वो किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। अब बच्चों ऐसा है कि एक कहीं पर अगर ऐसे लिखा हो 1 ग्राम एटम्स या लिखा हो 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, और या लिखा हो 1 ग्राम आयन, तो आप ये समझ लो कि ये चीज़ ये क्या कहना चाह रहा है, 1 मोल, यानी कि जैसे मान लो मुझे एग्जांपल दे दिया कि 4 ग्राम एटम ऑफ हीलियम दे दिया मुझे, तो हमें सिंपली क्या करना है, इस ग्राम एटम शब्द को हटा के वी विल रिप्लेस इट विद मोल वर्ड, 4 मोल ऑफ हीलियम हमारे पास है और 4 मोल हीलियम का मतलब हमारे पास 4Na एटम्स ऑफ हीलियम है, तो यहाँ बच्चे से गलती हो सकती है कि वो इसको जो है 4 ग्राम एटम्स को यदि 4 ग्राम हीलियम मान लिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने आज की क्लास में क्या देखा है कि 1 मोल का मतलब क्या है, सिंपल मीनिंग है कि ये काउंटिंग यूनिट है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इतना सैंपल यानी 6.022 × 10^23 इकट्ठा करके रख दें तो हम उस सैंपल को 1 मोल का नाम दे सकते हैं, समझिए बात को, तो 1 मोल सिंपल एक काउंटिंग यूनिट है, दिमाग में तुरंत यही लाना है, अगर मैंने बोल दिया 5 मोल वाटर, इसका मतलब इसमें 5Na मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और Na का मतलब एक नंबर है, Na एवोगाड्रोस नंबर है 6.022 × 10^23, तो आप किसी भी चीज को 1 मोल एप्पल बोल दिया हमने तो 6.022 × 10^23 एप्पल्स वहां पर होंगे, और अगर 5 मोल एप्पल बोल देता हूं तो फिर 5 से इस संख्या को गुणा कर देंगे, तो ये सिंपल जो है हमारा मोल का डेफिनेशन है।